देंगे लेकिन वो थोड़ा हाइट में अच्छा होना चाहिए। हाँ भाई हाइट देख ले, इसके हाइट कितनी, अपनी हाइट बता दो भाई। मेरी हाइट 5.5 है तो बस उससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। बस तो आप 5.9 है, 5 नहीं है भाई, तो कह रही 5.9 तकरीबन 6 है। हाँ तो तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्कान खान, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सवेरा खान। आपने अपने आगे छुरी रखी हुई है, खैरियत तो है? वीडियो पे आ रही है क्या? ओके, किसको मारना है? मारना बस वैसे रखी हुई थी, इत्तफाक से रखी हुई थी। वीडियो पे आ रही है। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में है और एंड में है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल्चर मुझे उनकी उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रखकर। एग्जैक्टली, तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सनातन धर्म को भी क्या कर रही है, अपना आ रही है। और गांव के लोग बहुत सिंपल होते, बड़ी सिंपल से शादी थी, बड़ी अच्छी थी। और पूजा के वक्त मैं तो हैरान रहेगी, फल भी थे, ड्राई फ्रूट्स भी थे, उसके बाद अगरबत्तियां, फिर जो है गंगा जल, वो तो सब कुछ, कितना कुछ था। और वो हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, शादी के बाद की प्रोस्पेरिटी, शादी के बाद। ये भी तो कोना कि यहाँ पे एक चीज ये भी हमने देखी है कि जहाँ पे भी वो लड़की जा रही थी पहले वो पूजा कर रही थी, मतलब पहले वो आशीर्वाद वुमेन फर्स्ट, और हाँ वुमेन फर्स्ट मैंने यहाँ पे देखा। और फिर जो आदमी था वो आके, मेल जो था वो आके फिर कर रहा था। तो इसी वजह से तो कहते हैं कि जो सनातनी लोग हैं वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। और आज हमने इस वीडियो के जरिए देख भी लिया कि वुमेन फर्स्ट। साहब ये आजकल वाकई बहुत ज्यादा देखो, फॉरेनर भारत आके, हाँ यार स्पेशल भारत के रीति रिवाज में जिस तरह भारतीय लोग हिंदू लोग शादी करते हैं, उसी तरीके। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और ये बात तो सच है कि जो कोई भी हिंदू धर्म के रंगों में रंग जाता है तो वह भूलकर भी इसकी अमूल्य संस्कृति को कभी भुला नहीं पाता है, और इस बात का जीता जागता सबूत दुनिया के अलग अलग देशों में मिलता है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह विदेशी लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी कर सनातन धर्म अपना रही हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्म है, और जिसने एक बार सनातन धर्म को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। इसलिए अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के स्कूलों में भी गीता पढ़ाई जा रही है। विदेशी लड़कियां इसलिए सनातन धर्म को अपना रही हैं क्योंकि जो रस्म रिवाज हैं, जो तौर तरीके हैं, जो हिंदू अपनाते हैं वह उन्हें काफी पसंद आते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में अग्नि को साक्षी मानकर जब सात फेरे लिए जाते हैं तो केवल दो शरीरों का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का संगम सात जन्मों के लिए हो जाते हैं। दोस्तों भारतीय शादियों में हल्दी, बारात, मेहंदी, वरमाला और साथी जैसे रीति रिवाज विदेशी लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और यहाँ के शादियों में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलता है जो आपको दुनिया के किसी भी देश या धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही हिंदू लड़कों की बात करें तो वह महिलाओं को सम्मान करना जानते हैं और छोटी छोटी गलतियों पे एक दूसरे को तलाक नहीं देते हैं, और हिंदू लड़कों की खूबियां विदेशी लड़कियों और मुस्लिम लड़कियों को काफी पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी क्या वो सोचते हैं हिंदू लड़कों के बारे में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जबरदस्त कल्चर देखे, मैं हूं ना पर्सनली दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो देखा,
पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी हो, मुझे कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं देखती हूँ यार इनमें ये कितने सदियों से ये चीज फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, इनकी रसूमात क्या है, ये इनके यहाँ कौन कौन से रिवाज पाए जाते हैं, इस चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और इंडिया में भी लोग इस वजह से बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि इंडिया का कल्चर, आप देखिए राजस्थान, जैसे नायलक से कहती हूँ मुझे राजस्थान का कल्चर, उनके कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं एक दफा तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का है कि भाई क्या करें। के गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया का कल्चर को पसंद किया हुआ है। बजहरी या वो जो एक हमारा कल्चर है ना कि घरेलू लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ, वो सारा लग रहा है, वरना एक औरत दूसरी औरत को कभी नहीं कहती है खूबसूरत है। औरत खुद खूबसूरत होना फिर वो अगली लड़की को कहती है कि वो खूबसूरत है, खुद में कभी तारीफ नहीं, फिर नहीं करती फिर मुश्किल हो जाती। चले आप सपोज करते हैं आपके लिए इंडिया से एक प्रपोजल आए शादी का और लड़का जी आपके इश्क में दीवाना हो, मस्ताना हो, तो क्या आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और क्या शर्तें रखेंगे और लड़के के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इंडिया से प्रपोजल है, प्यार करता है आपसे बहुत, मैं शायद एक्सेप्ट ना करूं। क्या कह के रिजेक्ट करेंगी? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया हमारा ऐसा ताल्लुक है, हम में बहुत ज़्यादा प्यार भी होना, तो वो एक रामलीला का एक डायलॉग था कि दुश्मन से मोहब्बत ने बाना हर किसी की बस की बात नहीं है, तो वो इंडिया को हर लेवल पे वो करता है, कॉपी करता है, फिल्म्स के हवाले से हो गए, कोई कल्चर हो गया, अब जैसे उनका होली त्यौहार है, LGS में होली का त्यौहार मनाया गया है, उस जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? पाकिस्तान आज भी पीछे है कल की तरह और वो परसों भी पीछे होगा कल की तरह, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिक्स से नहीं निकल रहा, जब तक ये पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे तब तक किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि PTI चली गई, नून लीग आ गई, नून लीग चली गई तो बिलावल भुट्टो आ गया, बिलावल चला गया तो पीपल्स पार्टी आ गई, बस ये फ्यूचर है और कोई फ्यूचर नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तानी इकोनॉमी हर चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? पाकिस्तानी आवाम आज भी रो रही थी रोटी के लिए, कल भी रोएगी, परसों भी रो रही थी, उसके बाद भी रोएगी, लेकिन यह है कि अब हमें इस चीज़ को ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने वाले, तो बेहतर है कि जितनी आपको इज्जत की रोटी मिले कमाएं और खाएं और बस। पाकिस्तान का तो आपने फ्यूचर बता दिया, आपको क्या लगता है अगर इंडिया ऐसा चलता रहा तो इंडिया का क्या फ्यूचर है? इंडिया का फ्यूचर ये है कि बहुत जल्दी तरक्की कर करके चाइना से भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और इंडिया बड़ी तेज़ी के। जी जनाब, ये था इंडियन कल्चर का, सनातन धर्म का क्रेज़ फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अंग्रेज़ जो हैं वो बड़ा पसंद कर रहे हैं। अच्छा मैंने अक्सर नोट, अच्छा इंडिया के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि इंडिया में इतने त्यौहार हैं, जैसे हमारे यहाँ ईद, बकरा ईद है, जैसे इस तरह के कुछ त्यौहार हैं, तो कहते हैं सनातन धर्म में इतने त्यौहार हैं, अगर सारे त्यौहार मनाओ ना तो साल में 365 दिन होते, सारे दिनों में छुट्टी हो जाएगी। इतने त्यौहार हैं इंडिया में, जो मशहूर हैं जिन्हें हम जानते हैं वो है होली, दिवाली, तो एक वो गुजरात में एक चलता है जिसमें डांडिया खेलते हैं, गरबा टाइप की गर्वा, इस तरह का कोई त्यौहार है, तो इस तरह से कुछ त्यौहार हम जानते हैं। बाकी क्या लगता है कि क्यों बाहर कंट्री के लड़कियां जो हैं इंडियन लड़कों को पसंद कर रही हैं, वो शादियाँ हो रही हैं, वो यहाँ आती हैं, यहाँ का कल्चर देखती हैं, फिर उसके बाद यहीं से किसी न किसी से दोस्ती हो जाती है या यहाँ के माहौल को समझती है तो यहाँ शादी कर लेती हैं? यार हर लड़की को चाहिए होता है कि उसका जो शौहर हो वो सेंसर हो उसके साथ, और आप जैसे कि वीडियोस में देखते हैं, हम वीडियोस में क्या देखते हैं, हम तो मतलब देखते हैं पिक्चर्स वगैरह में भी देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं कि ऐसा होता है, जो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह होती है उसमें ऐसा होता है कि जो एक लड़का होता है जैसे अंग्रेज़ों में, तो वो दो तीन लड़की को साथ रखता है, एक के साथ कर लिया फिर दूसरे के साथ, इस तरह फिर लड़कियाँ कौन एक्सेप्ट करती हैं, हम नहीं करें, तो ज़ाहिर है कोई भी लड़की हो वो इंडिया में इसलिए आ रही है कि उनको सिंसियरिटी मिलती है, लड़का जो एक बार शादी कर लेता है तो बस वो उसी का बस दिन, और वो जो सात फेरे है ना उसमें सात फेरों में सात वचन वचन है कि हम लोग हमेशा सात जन्म तक रहेंगे, और फिर उसमें आपने वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की अपने शौहर से वचन लेती है कि तुम मेरे माँ बाप की भी वही, मतलब सातों और जितनी इज्जत अपने माँ बाप की, जैसे अभी आपने पीछे से आपने बताया ना कि अंग्रेज लोगों ने चार चार लड़कियाँ रखते हैं, मुसलमान की चार शादी होती है, पहली बात ये कि वफादारी भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ दिन के बाद तलाक दे देते हैं लड़की अपने घर में। अच्छा एक बार तलाक से मुझे एक बात याद है, आप अपनी बात दोबारा करना, ये वाली
तलाक से एक बात याद आई कि हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। तलाक नहीं, जब भी लड़कियां देखती हैं कि लड़के का इखलाक अच्छा है और ये लोग रस्म निभाते भी हैं और अपने वादे में कायम भी रहते हैं, तो कुछ लड़कियां उनकी अगर मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो शादी कर रही है। अभी अंग्रेज़ लोग शादी कर रहे हैं, अंग्रेज़ लड़कियाँ इतनी शादी कर रही है, मोहब्बत चल रही है इनकी, लेकिन मोहब्बत किसी से भी हो सकती है। मेन चीज़ है कि वफादार होना चाहिए लड़का, अच्छा लड़का होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इंडिया में जैसे कोई लड़के ने अगर एक दफ़ा शादी कर ली तो उसका जहन है कि बस यही है मेरी। हाँ। अच्छा, अंग्रेज़ लड़का है, यूरोप का लड़का है, तो अगर उसने शादी कर ली तो उसके जहन में ये नहीं है कि यही है हमेशा मेरी, कल को कोई और हो सकती है, वहाँ पर एक नॉर्मल बात है। तो फिर कौन लड़की अंग्रेज लड़के को की तरफ जाएगी, वो कहेगी मैं इंडियन की तरफ ही जाऊँ। तो यही सवाल आपकी तरफ आता है कि आपको लिए आपके लिए प्रपोजल आए इंडिया से, तो आप क्या कहेंगी? पहली बात, आप तो करने ही नहीं देंगे, आप बोले कि चुप से कराची में बैठ के काम कर पाकिस्तान में, जाना है तो नहीं, अगर आएगी तो अच्छा होगा तो मैं जरूर करूँगी। आप यही सवाल आपसे यार, फिलहाल तो मेरा शादी की तरफ कोई माइंड नहीं है, तो मेरे तो इस तरफ कोई माइंड जाता है। माइंड नहीं है, जैसे कि जिंदगी में एक ना एक दिन तो करना है ना। हाँ बिल्कुल, एक ना एक दिन करना है, लेकिन अगर कोई प्रपोजल आता है तो कर लेंगे, क्या है, कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा हाइट में अच्छा होना चाहिए। हाँ भाई, हाइट देख ले इसकी, हाइट कितनी, अपनी हाइट बता दो भाई। मेरी हाइट 5.5 है, तो बस उसे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। 5.9 है, 5 नहीं है, वही तो कह रही 5.9 तकरीबन 6। हाँ, तो बस आप सोच रहे हैं, छोटे कद वाले कमेंट नहीं करें। छोटे कद वाले कमेंट नहीं करें। तो अच्छा, एक एक चीज़ और होती है कि जो इंसान खुद होता है तो सामने वाले में वो नहीं ढूंढता। मैंने जाता है, 5.9 है, सही है। हाइट में बता रहे हैं आपको, मतलब अगर आप प्रपोजल भेजे कोई इंडिया से, मैं नहीं बताऊंगा। छोटे कद वाले इनको ना कर ले। क्या मतलब? अगर कोई हिंदू लड़की होंगी इंडिया की लड़की, अगर वो करना चाहिए, लड़की की वैसे इतनी हाइट नहीं होती है, मिनिमम हाइट नहीं, हाइट अच्छी माशाल्लाह से, इतनी उनकी हाइट छोटी नहीं है, हाइट अच्छी मजा चल रहा है, इनकी हाइट कम से कम होगी 5.6। दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।